रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है आपका जर्नल एंट्रीज पे है रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, तो इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसमें सारी एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट को बेस बना के सारी एंट्रीज हम पास करते हैं। तो वही चीज यहां पे करनी है। क्वेश्चन में देखिए दिया है, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म ऑफ टी एंड पी आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर सारी एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमसे बोल रहा है कि नीचे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं उसकी आप जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है सीबीएसई टर्म 2 का, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो यहां पे देखिए लाइन से ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं 6, तो एक एक करते हैं। फर्स्ट इज बैंक लोन 34,000 वॉज पेड, बैंक लोन जो है वो पे किया जा रहा है 34,000। एक चीज ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट को बेस बनाकर की जाती है, फिर से बैंक लोन अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अब तो हम फर्म को क्लोज करने जा रहे, तो सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं जैसे ही आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट से उठा के लोन पे कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट से ही एसेट को बेचा, तो यही चीज हमें करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट को बेस बनाना है सब एंट्री में। जब लोन पे करेंगे तो मेरे पास से कैश जाएगा, मतलब बैंक क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक लोन तो अब हम डेबिट कर नहीं सकते, तो क्या डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश जो आप क्वेश्चन में जो दिया हो, और नरेशन आप लिखिएगा बीइंग बैंक लोन पेड, तो हम नरेशन नहीं लिख रहे। अमाउंट इज 34,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज नहीं दिए, तो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट है आपका, फर्नीचर वर्थ ₹70,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर टी एट 43,000। एक फर्नीचर है जिसकी वैल्यू है 70,000 और पार्टनर उसको 43,000 पे ले जा रहा है। जब कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा तो उसके अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं उसको, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो फर्नीचर है, फर्नीचर को तो क्रेडिट कर नहीं सकते। नॉर्मल एंट्री जब आप करते हैं, जब फॉर्म चल रही होती तो फर्नीचर को क्रेडिट करते, लेकिन यहां डिसोल्यूशन हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर हुई है, तो आप क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, जो लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, यहां पे टी लेकर जा रहा है, तो टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 43,000 पे लेके जा रहा है, तो आपको अमाउंट 43,000 लिखना है, आपको 70,000 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। जितने पे लेकर जा रहा है उतने में अकाउंट में एंट्री होगी, बाकी जो लॉस हुआ वो देखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट को टोटल करके। नेक्स्ट इज पार्टनर बी एग्रीड टू पे क्रेडिटर 7,500। डी पार्टनर पी जो है वो क्रेडिटर्स को पे कर रहा है, तो सिंपली पेमेंट की एंट्री कर दीजिए, रियलाइजेशन को डेबिट कर दीजिए। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पी है तो टू पीस कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 7,500। तो ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग भी कर लेंगे इसको, सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड हो गया, फोर्थ एंट्री इज कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रियलाइज 3,900। एक कंप्यूटर था जिसको हम राइट ऑफ कर चुके थे, अब मुझे उसके 3,900 रुपीज मिल गए, तो हमारे पास बैंक पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए सब में रियलाइजेशन का यूज हो रहा है, बाकी एसेट का नाम या लाइबिलिटीज का नेम क्यों नहीं लिखते हैं? अगर फिर से नेम लिख देंगे तो नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, हम तो बंद करने जा रहे हैं फॉर्म को, और 3,900 पे उसको राइट ऑफ किया, अमाउंट रिसीव हुआ। फिफ्थ एंट्री दी है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3,200 वर पेड बाय पार्टनर टी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसको हम नॉर्मली जब एंट्री करते हैं, जब फॉर्म पे करती है तो लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहां पे पेमेंट कौन कर रहा है, यहां पे पेमेंट कर रहा है टी, तो रियलाइजेशन टू बैंक ना होकर टू टीज कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन। फिफ्थ एंट्री है ये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस हैं तो अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टी पेमेंट कर दे रहा है तो उसके कैपिटल में कर देंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 3200, तो यहां 3200 से एंट्री पास कर दी हमने। और लास्ट में दिया है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4800, तो उसकी भी एंट्री कर देते हैं। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू, दो पार्टनर हैं, टू टीज कैपिटल अकाउंट एंड टू पीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिए दिया हुआ है और रेशियो भी दिया है क्वेश्चन में, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 4800 है, 5:3 मतलब 8, 8 6 5 3 15, यहां पे दिया है 4800 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 8 है, 8 6 5 6 30, 3000 and 1800, ये 1400 भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पूरा क्वेश्चन हो गया जर्नल एंट्रीज का। तो इस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए हैं तो आपके एग्जाम में भी आएंगे।